जय हिंद दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू जो है पति पत्नी जो है वो बिना कोई कागज से अलग रह सकते हैं, कानून क्या कहता है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा एक मामला पहुंचा, उस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कि बिना कारण बताए हुए कोई पति पत्नी जो है ना जो हिंदू हैं वो अलग रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इसी पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और जानिए प्रोविज़न क्या करता है। जैसा कि मैं बताऊँ कि एक मामला जो है हिंदू मैरिज एक्ट पति पत्नी का जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, उसमें जो है औरत जो है अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए गुहार लगाई थी कि हमको सेपरेशन चाहिए और मैं अलग रहना चाहता हूं, लेकिन वो अलग रहने का क्या कारण है वो नहीं बता पाई। तो एक जो है बेंच थी, जो डिवीज़न बेंच थी, डिवीज़न बेंच में जो है ना जस्टिस सिद्धार्थ मुदगल और अमित शर्मा थे। ये जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो पाया कि औरत जो है कोई कारण नहीं बता पा रही है, तो इन्होंने कहा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 मीन्स धारा 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कपल है मीन्स दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं जो है हिंदू के तरह, तो बिना कोई कागज जो है वो अलग नहीं रह सकते। अगर किसी एक को कोई कागज होता है मीन्स कोई कारण है, बेसिक कारण है और ये रीजनेबल कॉज है, तो सेक्शन 9 के तहत वो कोर्ट जाके मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके जहाँ पे फैमिली कोर्ट होते हैं या फिर जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं भी हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके वो अलग रहने के लिए गुहार लगा सकते हैं। लेकिन और इसमें कहा जाता है कि अगर कोई चाहता है यानी पति या पत्नी में से कोई चाहता है बिना कागज वो अलग रहने के लिए, तो जो पीड़ित हैं वो जो है पीड़ित यहाँ पे हो गया कि जो नहीं चाह रहा अलग रहने के लिए, एक तो चाह रहा अलग होने के लिए वाइफ एंड हस्बैंड में से और कोई एक चाह रहा कि नहीं होने के लिए, तो जो नहीं चाह रहे वो भी कोर्ट जा सकते हैं और एक अपील जो है वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं कि अलग नहीं रहना है। तो इसी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच दो जज की थी, इन्होंने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 प्रोविज़न नहीं है कि कोई भी दाम्पत्य जो है में से कोई एक अलग रहे बिना कॉज बताए हुए। कॉज पहले बताना होगा, कॉज प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में, तभी वो अलग हो सकती है। अदरवाइज सेक्शन जो है 9 प्रोविज़न नहीं देता या फैसिलिटी नहीं देता है कि दोनों अलग रहे। तो इस जो है जजमेंट से यही पता चला कि कोई भी दाम्पत्य जो है वाइफ एंड हस्बैंड है वो अलग तब तक नहीं रह सकती है जब तक कोई कॉज नहीं हो रहने का।